अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इफ स्टेटमेंट्स को देख रहे थे। इफ स्टेटमेंट्स में हमने दो सिंटेक्सेस को स्टडी किया था। सिंपल इफ की जाती थी और उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा था, जिसमें दो कंडीशन टेस्ट कर सकते थे। तो उसी सिलसिले में आज हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या एक्सटेंडेड इफ को देखते हैं। प्रीवियस दो सिंटेक्सेस की हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो सिंटेक्सेस हैं, इनको देखेंगे और इनसे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आप याद करें कि सिंपल इफ में हम सिंगल कंडीशन टेस्ट करते थे, इफ एल्स में हम टू कंडीशन टेस्ट करते थे। और इसी तरह अब ये इफ एल्स इफ या एक्सटेंडेड इफ स्टेटमेंट जो है, इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करेंगे। मल्टीपल मींस के जब कंडीशंस हमारे पास तीन या उससे ज़्यादा हों तो फिर हम एक्सटेंडेड इफ को यूज़ करते हैं। तो इसकी अब सिंटेक्स देखें। इफ कंडीशन वन स्टेटमेंट वन, एल्स इफ कंडीशन टू स्टेटमेंट टू, else if condition 3 statement 3 and so on up to n। तो ये n number of conditions होते हैं, तो कोई इसकी limitation नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा conditions को भी test कर सकते हैं। तो अगर ये सारी conditions false हो जाती हैं तो फिर last में जो है else यहाँ पे हम use करते हैं कि अगर ये सारी अबव कंडीशन जो हैं वो फॉल्स हो जाएं, उनमें से कोई एक भी ट्रू ना हो, तो फिर जाहिर है कि फिर हमारे और वो फिर लॉस कंडीशन है। तो स्टेटमेंट एन को हम परफॉर्म करेंगे। अभी देखें, इससे रिलेटेड एग्जांपल को हम देखते हैं। एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं कि जिसमें हम रोल नंबर मार्क्स ऑब्टेन यूजर से ले रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, भी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और परसेंटेज वैल्यू की बेस पे फिर हम ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंडीशंस आपको दिया गया है। इसमें आप देखें कि अगर परसेंटेज बिलो 40 हो तो ग्रेड एफ होगा। इसी तरह अगर परसेंटेज जो है वो 40 से 59 तक हो तो फिर ग्रेड सी होगा, और अगर परसेंटेज 60 से 79 हो तो बी होगा और अदरवाइज ए होगा। तो यानी हमारे पास तकरीबन ये चार कंडीशंस हैं। तो चार कंडीशन के लिए हमें लाजमी तौर पे एक्सटेंडेड इफ यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसमें हमें क्या कहा गया प्रिंट करने को, कि रोल नंबर को प्रिंट करते हैं करना है, इसमें परसेंटेज वैल्यू को करना है और फिर ग्रेड को करना है। तो एज बिफोर हम पहले इस प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में आप देखें कि इनपुट जो है हमारी वो रोल नंबर है, मार्क्स ऑब्टेंड है, इस प्रॉब्लम के केस में देखें। पहले तो हम परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फार्मूले की मदद से, उसके बाद हम फिर अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू फिर हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे और देन फिर हमारी जो आउटपुट होगी वो रोल नंबर है, परसेंटेज वैल्यू है और ग्रेड है। तो एनालिसिस मैंने आपको बताया था भी कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन बेहतर ये होता है भी आप एक प्रोग्राम लिखने से पहले एनालिसिस कर लें। इसमें एनालिसिस लिखने से ये फ़ायदा है कि आप ओवरऑल जो सिचुएशन होती है वो सारी आपके सामने आ जाती है भाई आपने प्रोग्राम में इनपुट क्या देनी है, यूज़र से इनपुट आपने क्या लेनी है और फिर उसके ऊपर आपने फार्मूलाज या कैलकुलेशन क्या परफॉर्म करनी है, और वो जो कैलकुलेशन है वो सिंपल है या किसी कंडीशन को यूज़ करते हुए, और फिर आउटपुट क्या आपने लेनी है। तो इसमें आप देखें कि यूज़र से हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, रोल नंबर दे रहे हैं, वजह से एज ए इनपुट यहाँ पे आ रही है,
प्रोसेसिंग हमारी यहाँ पे दो किस्म की है, एक तो हम परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरा फिर नंबर टू जो है वो ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें आउटपुट जो है वो रोल नंबर होगा, जो भी हमें प्रॉब्लम के अंदर की गई है रोल नंबर है, परसेंटेज वैल्यू और ग्रेड है जी। तो यहाँ पे आप देखें भी इस स्लाइड के ऊपर प्रोग्राम देखें, प्रोग्राम में हम सबसे पहले उसी तरह एज बिफोर हमने हैश इंक्लूड हमने लिखा, फिर उसके बाद मेन, और यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वेरिएबल जो है रोल नंबर और मार्क्स ऑब्टेंड ये तो एज ए इंटीजर हम डिक्लेयर करेंगे, और परसेंटेज में क्योंकि उसमें डेसिमल पॉइंट उसके अंदर आने के चांसेस हैं उसमें हम डिवाइड वगैरह के कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम फ्लोट लेंगे। देन फिर हम कैरेक्टर वेरिएबल ग्रेड डिफाइन करेंगे, ग्रेड जो है ये ग्रेड वैल्यू को जो कैरेक्टर वैल्यू होगी उसको स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से प्रिंट एफ और स्कैन एफ की स्टेटमेंट्स की मदद से, तो रोल नंबर और मार्क्स ऑब्टेंड एक ही लाइन पे हम ले रहे हैं, इसी तरह स्कैन एफ जो है वो भी हम इसके साथ ही एक लाइन के अंदर हम ले रहे हैं। तो वैसे ये अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, प्रिंट एफ की और स्कैन एफ की जो अलग अलग दो स्टेटमेंट्स हैं रोल नंबर और मार्क्स ऑब्टेंड के लिए, तो ये आपके पास फिर चार लाइनें हो जाएंगी, तो वो अलग भी लिख सकते हैं। अब इनपुट यहाँ पे हमने ले ली अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, आप देखें अगर एनालिसिस को फॉलो करें तो ये यहाँ सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया, अभी हमने यूज़र इनपुट ली, उसके बाद यहाँ पे हम प्रोसेसिंग के स्टेप में आ गए हैं एनालिसिस को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं परसेंटेज की, परसेंटेज वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, देन फिर उसी परसेंटेज वैल्यू को चेक करते हुए हम ग्रेडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं भी परसेंटेज अगर लेस देन 40 हो तो फिर ग्रेड क्या होना चाहिए, एफ। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हमने यूज़ किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए कि क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है ग्रेड, तो इसमें हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज़ करते हैं। बाकी ये एफ या सी कैपिटल में लिखा हो या स्मॉल में लिखा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। else if परसेंटेज लेस देन 60 तो ग्रेड सी होगा, इन कंप्यूटर वाले परसेंटेज को चेक करेगा तो अगर उसकी वैल्यू लेस देन 40 तो फिर तो वो ग्रेड एफ, ग्रेड के अंदर एफ स्टोर करके तो ये बाकी जितनी एफ हैं इनको स्किप करता होगा, वो आ जाएगा ये प्रिंट, पहली प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ऊपर वो आ जाएगा। तो क्योंकि जितनी भी इफ़ ये स्टेटमेंट दी हुई हैं उनमें से जो ट्रू होती है सिर्फ वो उसने करनी है, तो बाकी को वो स्किप कर देगा। लेकिन अगर परसेंटेज की वैल्यू जो है वो 40 से लेस नहीं है, वो या तो 40 है या उससे ऊपर है, अबव है, तो फिर वो यहाँ पे अगली स्टेटमेंट पे आएगा, वो उसने ये चेक करना है कि क्या परसेंटेज की वैल्यू जो है वो लेस देन 60 भी है या नहीं है। अब यहाँ पे वो दोबारा उसने ये इस लाइन के ऊपर उसने ये नहीं दोबारा देखना भाई परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 40 है या नहीं है, वो सिर्फ ये चेक करेगा कि लेस देन 60 है या नहीं है। वजह उसकी क्या है, वजह उसकी ये है भाई 40 वाली जो कंडीशन है ना वो पहले वो चेक कर चुका है, इस स्टेटमेंट को वो परफॉर्म नहीं करता यानी ग्रेड एफ नहीं देता तो, और इस पे वो आ जाता है, तो इसका साफ मतलब ये बनता है भाई वो ऑलरेडी या तो 40 है या 40 से अबव है, तो 40 या 40 से अबव वाली जो कंडीशन है वो ऑलरेडी चेक हो चुकी है यहाँ पे, और इस वजह से यहाँ पे उससे नेक्स्ट कंडीशन को सिर्फ हम देख रहे हैं कि लेस देन 60 कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली ये कहना चाहिए कि इन लाइन्स के ऊपर हम से हम 40 और 60 के दरमियान जो परसेंटेज है वो हम चेक करवा रहे हैं। इसी तरह इन द सेम वे अगर परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 60 भी नहीं होगी तो वो फिर इस लाइन पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे वो ये चेक करेगा कि ठीक है वो 60 या 60 से अबव तो है लेकिन क्या वो 80 से कम भी है, तो अगर 80 से कम होती है तो वो फिर ग्रेड बी दे देगा,
और एल्स फिर ग्रेड ए दे देगा। यहाँ पे आप देखें कि दोबारा हमने इफ़ नहीं लिखा, दोबारा इफ़ लिखने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, वो इस वजह से कि अगर ये सारी कंडीशन जो हैं वो फॉल्स हो जाती हैं तो फिर एंड पे फिर ये चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी परसेंटेज क्या है, वो अंडरस्टूड होगा अभी परसेंटेज की वैल्यू जो है वो या तो 80 है या उससे अबव है। तो इधर आखिर में जस्ट एल्स लिखेंगे, तो ग्रेड इज इक्वल टू ए, और उसके बाद देन हमारी प्रोसेसिंग थी परसेंटेज का कैलकुलेट करना, और फिर कंडीशनल प्रोसेसिंग जो इफ का यूज़ था ये हमने दोनों ही कर ली प्रोसेसिंग के अंदर, जो दो ऑपरेशन थे दोनों ही हमने कर लिए। तो यहाँ पे हम आउटपुट पे आ जाते हैं एनालिसिस को फॉलो करते हुए, तो आउटपुट जो है हमने तीन आउटपुट लेनी थी, तो तीन हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिखी है, एक रोल नंबर के लिए, फिर परसेंटेज के लिए, और उसके बाद ग्रेड के लिए, तो उसके बाद गेट चार है। नेक्स्ट हम नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेस्टेड इफ का क्या मतलब है कि जब एक इफ स्टेटमेंट दूसरी इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज की जाए तो उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। इसकी सिंटैक्स यहाँ पे लिखी हुई है, ये सिंटैक्स 4 है, लास्ट सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट की। तो ये सिंटैक्स है ये थोड़ी टेक्निकल है और मुश्किल सिंटैक्स है, तो इस वजह से इसको ध्यान से अपने समझना है। इसमें हम क्या करते हैं भाई, इसमें सारी कंडीशंस हम पहले लिख लेते हैं, और जो इन कंडीशन में से जो लास्ट कंडीशन होती है उसकी ट्रू के केस में जो स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं, देन फिर उसका हम एल्स लिख लेते हैं उसके एल्स के केस में जो स्टेटमेंट परफॉर्म होनी है, एंड देन फिर इसी तरतीब से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, यानी उससे ऊपर वाली जो इफ थी उसका एल्स हम लिखते हैं उसके एल्स के केस में जो स्टेटमेंट होगी, एंड देन फिर जो फर्स्ट हमारी कंडीशन थी उसका एल्स हम लिखते हैं। तो ये एक पैटर्न सा इस तरीके से हमारे पास बन जाता है, जैसे ग्रेटर देन साइन होता है। तो याद रखें कि अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो आसानी से आप इसको लिख लेंगे। अभी हम प्रीवियस जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल थी उसके ऊपर हम नेस्टेड इफ को अप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें मैंने बाकी स्टेटमेंट नहीं लिखी क्योंकि बाकी जो स्टेटमेंट है उस प्रोग्राम की वो सेम ही होंगी, सिर्फ ये कंडीशनल पोर्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें भाई, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल 40, उसके बाद इफ़ परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल 60, फिर इफ़ परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल 80, तो तीनों कंडीशन जो है ना यहाँ पे हमने डायरेक्ट चेक कर ली हैं। तो अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर क्या होगा, सारी कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये है भाई लास्ट कंडीशन भी ट्रू है, यानी ग्रेटर आर इक्वल 80 है, तो ग्रेड हम क्या देंगे, ए। फिर इसका एल्स देखेंगे, इसके एल्स का क्या मतलब है कि ग्रेटर आर इक्वल 80 वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है लेकिन उससे ऊपर वाली जो थी वो ट्रू है, मीन्स कि हमारी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर आर इक्वल 60 तो है लेकिन ग्रेटर आर इक्वल 80 नहीं है, मीन्स के वो 60 और 79 के दरमियान में कोई वैल्यू है। तो उसके लिए फिर जाहिर है कि ये वाली एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल 80 तो नहीं है लेकिन वो ग्रेटर आर इक्वल 60 है, तो यानी इन बिटवीन 60 और 79 के, तो उस केस में हम ग्रेड बी देंगे। इन द सेम वे फिर इस ऊपर वाली इफ को देखें, इसका एल्स देखें, इसके एल्स का क्या मतलब होगा कि परसेंटेज हमारी वो ग्रेटर और इक्वल 40 तो है लेकिन वो 60 के इक्वल या उससे अबव नहीं है, मीन्स कि वो 40 से लेकर 59 के दरमियान कोई वैल्यू है, तो उस केस में फिर हम ग्रेड सी असाइन करेंगे। इसी तरह अगर फर्स्ट ही स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है, यानी परसेंटेज जो है ग्रेटर और इक्वल 40 भी नहीं है, तो उसका फिर साफ मतलब बन जाता है भाई वो इससे लेस है, 40 से भी लेस है। तो अगर 40 से लेस होगी तो इस पहली का एल्स एग्जीक्यूट होगा, यानी ग्रेड एफ आ जाएगा।
याद रखिए भाई, इसको एक से ज़्यादा तरीकों से लिखा जा सकता है। यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं भाई, आप ये इस कंडीशन को उल्टा चेक करें। उल्टा कैसे कि आप यहाँ पे ये कहें भाई, इफ परसेंटेज इज लेस देन 80, उसके बाद आप लिखें कि लेस देन 60, इधर पर आप लिखें लेस देन 40, और इधर पर ग्रेड एफ दे दें। तो यानी लेस को अगर यूज़ करेंगे ना, तो फिर आप वैल्यू जो है वो हाईएस्ट जो वैल्यू है उसको पहले लेंगे, यानी पहले 80, फिर उसके बाद 60, फिर इस तरह 40 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन ग्रेटर वाली चेक करेंगे, तो फिर ग्रेटर को जब यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ वैल्यू जो है ये लोएस्ट वैल्यू लिखेंगे, यानी 40, उसके बाद 60 और फिर 80। लेकिन ये अपने याद रखना है भी, जब यहाँ पे लेस यूज़ करना है तो बाकियों में भी सब में लेस ही यूज़ करना है, और अगर ग्रेटर यूज़ करना है तो बाकी सब में भी ग्रेटर यूज़ करना है। इस तरह आपने नहीं करना भी कहीं लेस यूज़ कर दें कहीं ग्रेटर यूज़ कर दें। तो जहाँ भी अगर लेस या ग्रेटर यूज़ करने लगें तो आप खुद ही अलर्ट हो जाएं फौरी तौर पे कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग। लेस और ग्रेटर वाला जो रूल है, ये जो रूल है, ये इससे पहले जो सिंपल हमारी एक्सटेंडेड इफ स्टेटमेंट थी, उधर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ भी यानी आप इसी तरह, ये जो पहले इस प्रोग्राम को आप देखें, तो यहाँ भी आप लेस को अगर यूज़ करते हैं तो फिर सारी लेस यूज़ करने हैं, और अगर ग्रेटर को यूज़ करने हैं तो फिर सारे ग्रेटर यूज़ करने हैं। याद रखें, अगर एग्ज़ाम के किसी क्वेश्चन के अंदर कोई इस तरह का प्रोग्राम है कि जहाँ पे आपको कंडीशन यूज़ करनी पड़ती हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है भाई आप जो है वो नेस्टेड इफ यूज़ करें या एक्सटेंडेड इफ, तो बेहतर आपके लिए यही होगा भाई एक्सटेंडेड इफ यूज़ करें, क्योंकि वो सिंपल स्ट्रक्चर है। हाँ, अगर आपको श्योरिटी है तो फिर आप नेस्टेड इफ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना ये लेक्चर वाइंड अप करता हूँ।